तो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं और जैसे जैसे यीशु मसीह का दूसरा आगमन और करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो दुष्ट आत्माएं हैं ना, फॉलन एंजल्स, वो भाई और ज़्यादा प्रकट होकर लोगों के सामने आ रही है। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही दुष्ट आत्माओं की वीडियोज़ देखने वाले हैं जहाँ पर फॉलन एंजल्स लाइव कैमरा में रिकॉर्ड हुए। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री, आप देख रहे हैं एसगैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। जय मसीह बोलो मानसी, जय मसीह बोलो, जय मसीह। ठीक है, वेल हम ये तो जानते हैं कि जो इज़राइल है, इज़राइल के ऊपर परमेश्वर पिता का हाथ है, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए जहाँ पर परमेश्वर है वहाँ शैतान और उसके दूत भी हैं, दुष्ट आत्माएं भी हैं, फॉलन एंजल्स भी हैं। तो ऐसी ही एक घटना फॉक्स न्यूज़ में जब इज़राइल के बारे में बताया जा रहा था, उस वक्त एक काली परछाई दिखाई दी जो बिल्डिंग के अंदर घुस गई। यहां पर कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये जो है ये कोई काली परछाई वरछाई, कोई दुष्ट आत्मा, फॉलन एंजल्स नहीं है, ये कोई पक्षी है। लेकिन जरा गौर से देखिए, क्या एक पक्षी ऐसे उड़ता है क्या? ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक अमेरिकन टिकटॉकर द्वारा ली गई है, जहाँ पर जब उसके पापा, मतलब वो जो टिकटॉकर है बंदा, वो और उसके पापा दोनों इज़राइल में जब लड़ाई हुई थी ना, जब ये लोग जब देख रहे थे ना न्यूज़ फॉक्स न्यूज़ में, तब इन्होंने अपने फ़ोन से खींचा है टीवी में। तो ये कहता है कि भाई ये परिंदा तो नहीं लगता, लेकिन कुछ ऐसा कुछ ना कुछ तो है भाई, इसके विंग्स भी हैं। आप खुद सुन लीजिए। Okay, me and my dad were just sitting here watching Fox News. And I think we just accidentally seen Fox News just showed either angels or demons coming in after a missile just hit. And maybe it's a Grim Reaper. I don't know. But it has wings. Go ahead, Dad. Play it. She's contributor, former national security advisor to President Trump and VP Pence. First, your reaction. Well, ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। बाइबल में पहले ही ये सब चीज़ें होंगी बोल के बता दिया गया है। दुष्ट आत्माएं आएंगी, लोगों को सताएंगी। ऐसी ही एक और घटना सामने आई जो कि एक शैतान को पूजने वाला सिंगर ट्रेविस स्कॉट, उसके कॉन्सर्ट के दौरान काली परछाई बिल्कुल ऐसे ही हुबहू दिखाई दी, और उसके तो हाथ भी थे। वेल, अगर आप नहीं जानते कि ट्रेविस स्कॉट कौन है, तो ट्रेविस स्कॉट एक सिंगर है, गायक है, जो भाई शैतान को पूजता है। और इसने क्या है, कुछ महीने ही हुए होंगे, अभी कुछ महीनों पहले इसने एक कॉन्सर्ट किया था, लाइव कॉन्सर्ट। उस लाइव कॉन्सर्ट के दौरान जरा अगर आप देखेंगे उसका लाइव कॉन्सर्ट का जो एंट्रेंस था ना, मेन डोर, मतलब मेन दरवाज़ा जहाँ से सब लोग घुसते हैं, वो कैसा है देखिए, तो आकर रखा है। कहने का मतलब है ये ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये ट्रेविस स्कॉट इन सब लोगों को एक्चुअली खा रहा है, मतलब शैतान के पुजारी इन लोगों को क्या कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं ना इसके गाना सुनने, इनको अपने अंडर ले रहा है भाई, एक तरीके से खा जा रहा है उनकी आत्मा। खैर, तो ये जो सिंगर है, इसने जब लाइव कॉन्सर्ट किया था, उस लाइव कॉन्सर्ट के दौरान दुष्ट आत्माएं दिखाई दी। अगर आप गौर से इस तस्वीर को देखेंगे, इस दुष्ट आत्मा की तस्वीर को, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं इस दुष्ट आत्मा का दो हाथ भी है, ऐसे ऐसे हाथ है। और ये जो दुष्ट आत्मा है, ये लोगों पे भाई, जो यहाँ पर गाना सुनने आए हैं ना इस शैतान के पुजारी का, भाई इसका गाना सुनने 50,000 से ज़्यादा लोग गए थे, 50,000 से ज़्यादा लोग, सोचो। और यहाँ पर भाई ये लोग जो यहाँ पर जा रहे हैं ना, ये लोग बस ये सोच के आए कि भाई जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मज मस्त मौज करेंगे, लेकिन भाई इनको मालूम नहीं है
कि भाई ये जो है अपने, ये जो शैतान का पुजारी है ना, ये अपने गानों के द्वारा क्या कर रहा है, स्पेल्स कास्ट कर रहा है। कहने का मतलब है अपने गानों के द्वारा भाई मंत्र, जो दुष्ट मंत्र है ना शैतान के, मंत्र उन पे डाल रहा है, उनकी जिंदगियों पर डाल रहा है, उनके शरीरों पे डाल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए कैसे ये दुष्ट आत्मा लोगों पर छलांगे मार रही है भाई, ऐसे कर करके छलांगे मार रही है। और अगर आप ट्रेविस स्कॉट का ये जो टी शर्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक दरवाज़ा है, देखिए, और इस दरवाजे में से छोटे छोटे नाटे नाटे दुष्ट आत्मा निकल रही है, ठीक है। और ये जो दुष्ट आत्मा है ना, जैसे यहाँ पर दिखाया गया इस तस्वीर में, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू नाटा नाटा छोटा छोटा दुष्ट आत्मा, मैंने भी कुछ दिन पहले जो सपना देखा था ऐसे दुष्ट आत्मा थी, बिल्कुल हूबहू। अगर आपने मेरी वो गवाही वाली वीडियो, मतलब वो जो सपना मैंने देखा था, वो गवाही वाली वीडियो आप अगर आपने नहीं देखी ना तो वो वीडियो देखिए। बिल्कुल ऐसे ही जमीन फोड़ के ना नर्क में से निकल रही थी, बिल्कुल ऐसी दुष्ट आत्माएं। और ये दुष्ट आत्माएं, इसका टी शर्ट साफ साफ ये भी बताता है कि भाई देखो कैसे मैं, जो लोग मेरा गाना सुनने आ रहे हैं ना, तुम्हारे ऊपर मैं दुष्ट आत्माएं छोड़ रहा हूँ। लेकिन लोग भाई, जो लोग भाई ना शैतान को मानते हैं ना परमेश्वर को मानते हैं, वो लोग तो जाएंगे, और जाएंगे और उनके साथ क्या होगा आप लोग जानते हैं। ट्रेविस स्कॉट के इस कॉन्सर्ट में ना कितने लोग मरे आप लोग जानते हैं? 8 लोग मरे 8 लोग। एक और शैतान को पूजने वाली सिंगर है जिसका नाम है लाना डेल रे, और जब वो लाना डेल रे कॉन्सर्ट कर रही थी, उस कॉन्सर्ट के दौरान लोगों को एक शॉक वेव ने हिट किया, एक लहर की तरह। वेल, ये बात तो किसी से छिपी नहीं है कि हम ये जानते हैं कि शैतान जो है वो एक समय में संगीत बजाता था परमेश्वर के लिए, और आज भी शैतान संगीत का ही इस्तेमाल करता है लोगों को नर्क की तरफ खींचने के लिए। और इन सब कॉन्सर्ट में हम देख सकते हैं कि कैसे शैतान अपना काम कर रहा है। और अभी मैं आप लोगों को एक राज की बात बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि आज ये चर्चों में चल रहा है। क्या चल रहा है? जो ये लहर देखते हैं हम, इन शैतान के पुजारी सिंगर जो लोग रहते हैं ना, ये लोग मंत्र पढ़ते हैं ना ऐसे, और एक ऐसी लहर, एक शॉक वेव लोगों को गिरा देती है। बिल्कुल हूबहू ऐसा ही भाई लहर, ऐसा ही शॉक वेव मेगा चर्चेस में दिखाई देता है। जरा इस शॉक वेव को देखिए, इस लहर को देखिए। और जरा शैतान के पुजारियों की लहर देखिए, इस शॉक वेव को देखिए। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है भाई, चर्चों के अंदर आज शैतान काम कर रहा है। जो ये शब्द मेगा चर्चेस है ना, ये जो शब्द मेगा है, मेगा जो है वो सेटनिज्म में, यानी शैतान को पूजने वालों में सबसे ऊंची डिग्री होती है, यानी सबसे ऊंचा अवधा होता है। तो इसीलिए मेगा चर्चेस, ये परमेश्वर का चर्च नहीं है, ये यीशु मसीह का चर्च नहीं है, ये शैतान का चर्च है। सेम लहर यहाँ पर भी आपको देखने मिल रही है। बाइबल में कितनी बार हम देखते हैं यीशु मसीह ने ऐसी एक लहर फेंकी, हाँ, या फिर यीशु के चेलों ने ऐसी लहर फेंकी कि लोग गिर गए? एक बार भी बाइबल में नहीं मिलता। ये परमेश्वर का काम नहीं है गिराना पड़ाना, ये शैतान का काम है। एक और सिंगर है जिसका नाम है वीकेंड, तो वो जो सिंगर है वो शैतान का पुजारी है, जैसे कि हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे वो भाई डेविल हॉर्न्स बना रहा है, यानी शैतान के सिंग बना रहा है। तो इसके कॉन्सर्ट के दौरान साफ साफ शैतानी हाथ दिखा।
लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि भाई ये कोई प्रॉप हो सकता है कोई कुछ ऐसे सामान जो लगा होता है ना लगाने का फकाने का, ऐसा कुछ लेके आया होगा कोई व्यक्ति। चलो भाई मैं मान भी लेता हूँ कि ये एक प्रॉप है, शैतान का हाथ नहीं है, बस ऐसे ही कोई लेके आया है। लेकिन एक और इस शैतानी सिंगर वीकेंड के कॉन्सर्ट में साफ साफ पीछे सैतान यानी शैतान लिखा हुआ दिखाई दिया। आप लोगों को याद होगा कि 2023 में ब्राज़ील में एक कार्निवल के दौरान यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया और शैतान की पूजा की गई खुलेआम रास्तों पे। उसके ऊपर सब यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया, मैंने भी वीडियो बनाया था। और ठीक उस कार्निवल के बाद में जहाँ पर यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया, पूरे ब्राज़ील में भाई इतना भयानक बाढ़ आई, इतना भयानक पानी आया, काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। और उस वक्त काफ़ी लोगों ने जो ब्राज़ील के थे उन्होंने वीडियो ऑनलाइन डालना शुरू किया कि देखो हमारे यहाँ पर ऐसे बाढ़ आ रही है। और उस बाढ़ के दौरान एक वीडियो ऐसी थी जहाँ पर भाई सेम ऐसा ही जो ट्रेविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में हमने काला एक फिगर देखा था ना, एक काला छाया जैसा, तो वैसा ही काला छाया सेम ब्राज़ील में जो बाढ़ आई थी ना, उस बाढ़ में भी ऐसे ही दुष्ट आत्माएं दिखाई दी। वेल, हम जानते हैं कि जो एलन मस्क है वो शैतान का पुजारी है। उसने एक बार ऐसी ड्रेस पहनी थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, जो ये ड्रेस था इस ड्रेस का नाम था डेविल्स चैम्पियन यानी शैतान का कैप्टन, या तो शैतान का सुरमा भी कहते हैं। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ये भी है, ये सब लोग जानते हैं। वेल, स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स एक रॉकेट लॉन्च के दौरान भी ऐसी काली छाया यानी दुष्ट आत्मा दिखाई दी। वेल, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये डिब्री है, डिब्री यानी जो रॉकेट है उसका मलवा है, लेकिन ये मलवा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है मलवा, मतलब जो डिब्री होता है, जो मलवा होता है, वो एकदम से अपना डायरेक्शन, अपना दिशा नहीं बदलता, लेकिन ये जो काली छाया है देखिए कैसे यहाँ पर है और एकदम से दिशा बदल देता है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आपका विश्वास क्या है, क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, या फिर आप हिंदू हैं, या आप मुस्लिम हैं, या आप बुद्धिस्ट हैं, आप किसी भी धर्म के, मैं नहीं जानता आपका विश्वास क्या है। लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर परमेश्वर है तो वो कौन सा परमेश्वर है, ढूंढिए सच्चा परमेश्वर कौन है। हो नहीं सकता ना भाई इतने सारे खुदाओं ने, हाँ ये हिंदू का गॉड है, मुस्लिम का गॉड है, क्रिश्चियन का गॉड है, हाँ और फिर बुद्धिस्ट का गॉड है, इन सब गॉडों ने दुनिया बनाई, उनमें से कोई एक सही होगा ना। सच्चाई ढूंढिए कि किसने इस सारी कायनात को बनाया, किसने ये सारी सृष्टि की। दूसरी बात ये मत भूलिए, अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को ऐसे सिंगर्स से दूर रखें और सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को पहचानिए। मेरा कहना इतना ही है आज के लिए, इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे, हमें जरूर सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए जय मसीह की। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट और अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु, यीशु, मेरे यीशु, यीशु, यीशुआ।